अरे हम डरते हैं इंजेक्शन से, बहुत डरते हैं। इसमें तो हम शर्म भी नहीं करते डर कहने में कि हमें डर नहीं लगता। अबे हमारे और लगेगी सुई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? अबे हम जा रहे हैं जिम, क्योंकि कल जिम जाया नहीं गया था, सैटरडे था कल, और कल लेग्स की एक्सरसाइज थी और कल हम जिम गए नहीं, तो इसलिए सोचा कि आज चले जाते हैं। ये प्लाजा देखो, शाम को, रात को, दोपहर में फुल भीड़ और मॉर्निंग में एकदम खाली। सिटी की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और वो पोल्यूशन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब आंखों से पोल्यूशन को नोटिस कर पा रहे हैं हम। इतना पोल्यूशन यहाँ बहुत, मतलब गलत है ये, इसीलिए मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती रहती है। जिम के अंदर आ तो चुके हैं, मतलब जिम के जस्ट बाहर खड़ा हूँ, अब देखना ऊपर जाके कि खुली है बंद है। मेरे को तो लग रहा है जिम बंद है, कोई भी नहीं है, मैं गलत आ गया, गलत जगह टाइम इन्वेस्ट करने का सोच लिया, कि जिम का भूत सवार हो गया था मेरे पे। ये भी बंद है, चलो कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं रूम पे सो जाएंगे, और तो क्या करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ है, सुबह जिम गए, उसके बाद एक भाई है उसके साथ मैं बाहर मीटिंग के अंदर गया, वहाँ पे एक किस्सा हुआ, वहाँ मैं बाद में बताऊँगा। और अभी क्या है कि मैं जा रहा हूँ SMS, उनके कोई रिलेटिव है वो एडमिट है SMS के अंदर, और वहाँ पे मेरे को जाना है ब्लड देने, और हम अब भी जा रहे हैं वहाँ पे, जाते हैं ब्लड देते हैं, भाई मिलते हैं वहाँ पे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त शफीक है, वो जा रहा है अभी। हम, मैं और शफीक मास्क लगाना ज़रूरी है, पकड़िए। तो अभी हम आए हैं ब्लड देने के लिए, मास्क लगा रहे हैं। यार अभी तो हमारा यहाँ पे आना मतलब ऐसे हो गया, उन्होंने जो ब्लड ले रहे थे उन्होंने बोला कि ब्लड नहीं चाहिए, पहले ताऊ जी का फ़ोन आया इमरजेंसी के अंदर ब्लड चाहिए। अभी क्या है कि मेरे को लग रहा है उनको आलस आ गया, जिन्होंने ब्लड निकालना था ना उनका मन नहीं है कि ब्लड निकालें, तो हमें कह रहे हैं भाई साहब आप सुबह आ जाना 8:30 बजे के बाद। तो बोला ठीक है भाई, 8:30 के बाद आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे पार्किंग में, बाइक खड़ी की थी, अभी हम दे के वापस जा रहे हैं। हमारे जो हॉस्टल वार्डन है वो बोल रहे थे कि शफीक को लेके जा रहा है कहीं, की जगह लेना पड़ जाएगा वहाँ से, उनसे 3-4 बोतलें मांगनी पड़ जाएगी अगर इनका इसका निकाल लिया तो। कोई बात नहीं भाई, होता है कभी कभी यार, आना भी चाहिए, अगर किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो हेल्प करनी चाहिए। बड़ी बात है, हिम्मत करके देने आ गए भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, देने आना बहुत बड़ी बात है यार। 2-3 काम है कल, एक तो इधर ब्लड देने आना है, फिर कोचिंग भी है कल, कल जिम भी है, और कल एक भाई ने कोई काम बोला है, उसको माइक वगैरह का पूछना है, तो मेरे को वो माइक वगैरह भी देखना है यार, कई काम है यार। और मेरे को टाइम नहीं है, बस टाइम नहीं है अपने पास, पता है आज का दिन पूरा फ्री था। हाँ SMS की पार्किंग दिखा दे ये भाई, SMS की पार्किंग है, इधर देख लो, ये बता SMS की पार्किंग है। मेरे को बहुत बड़ा सुख लगा, यहाँ पे आप आओ, पर्ची कटाओ, खड़ी कर दो गाड़ी वगैरह, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत अच्छा सुख लगता है। 20-50 रुपये में कुछ जाता नहीं है, और आपकी व्हीकल है जो गाड़ी है वो उससे एकदम सेफ। शफीक भाई चलाएगा बाइक और ये हमें रूम तक लेके जाएगा, आज हम लेके भी इसको इसीलिए आए थे कि कहीं हम ब्लड दे दें और बाद में पता चले हमसे बाइक ही नहीं चल रहा, हम गलत आ गए थे। अब वापस घूम के दोबारा जा रहे हैं, इधर से जाना था। हॉस्टल पहुंच चुके हैं हम वापस, आज तो बिना ब्लड दिए आ गए, कैसा मतलब अच्छा लग रहा है, है? भाई जैसा भी है ठीक है, अभी वार्डन सर आ रहे हैं गेट खुलवाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अब हम जा रहे हैं कोचिंग, और आज का दिन भगवान करे आपका हमारा सबका बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, और मिलते हैं अभी कोचिंग जाने के बाद। अभी रूम में आए हैं, कई देर हुई है और अभी खाना खाया है, और अभी थोड़ी देर बाद में हम जाएंगे ब्लड देने, जहाँ पे कल रात को हम गए थे लेकिन वहाँ पे हम ब्लड दे नहीं पाए थे, लेकिन अभी हमें कॉल आया है ताऊ जी का और हमें अभी जाना है, तो मैं थोड़ा खाना खाया तो आधा एक घंटा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं और किसी एक दोस्त के साथ जाता हूँ ब्लड देने। अभी क्या इधर आया था ब्लड देने के लिए, क्योंकि अभी और दोस्त वगैरह तो है नहीं, तो मैं अकेला ही आ गया, मैंने कहा एक जना अगर दे सकता है मैं दे सकता हूँ तो मैं दे देता हूँ।
अभी वो आ रहे हैं जिनको ब्लड चाहिए थी, तो अभी अंदर जाएंगे ब्लड देंगे। थोड़ा सा घबराहट हो रहा है ब्लड देने से पहले, थोड़ी सी ऐसे इंजेक्शन से जो डर होता है वो लग रहा है। हमें ये दे दिया, अभी भैया आएंगे कोई और हमारा खून निकालेंगे। कौन सा भाई, क्या अभी एक बेंच खाली बचा है, क्या इस पर बैठ जाऊँ मैं, पूछते हैं। वहाँ पे अभी कोई है नहीं, इसलिए एक बार मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। यहाँ पे टांटी आ गया, ये हॉस्पिटल है क्या, यहाँ पे टांटी ही बहुत है। हम अभी खून देने के लिए यहाँ पे सो चुके हैं बेड के ऊपर कुछ इस तरह से। अभी थोड़ा थोड़ा से घबराहट डर लग रहा है, पर वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कई बार दिया मैंने, मतलब 7-8 बार से तो ज़्यादा ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक डर लगता रहता है। यहाँ का जो ये बेड है ना जिस पे मैं लेटा हुआ हूँ, ये बहुत अनकंफर्टेबल है भाई। मतलब ऐसे बेड पे मैं आज पहली बार बैठ के लेट के ब्लड दे रहा हूँ। हमारी बारी आ चुकी है, अभी हमारे और लगेगी सुई। थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। ये 3-4 थैली खून निकल होएगा, 3-4 थैली खून निकल होएगा भाई। देखो आराम से लेना, डर लगता है, बहुत डर लगता है। हम श्री गंगानगर, अरे हम करते हैं इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, इसमें तो हम शर्म भी नहीं करते डर कहने में कि हमें डर नहीं लगता। हम कहते भाई हमारी तो गंदे तरीके से फटती है। यहाँ पे भाई है जो ब्लड देने आए थे, इन्होंने हमारी थंबनेल के फोटो जो है वो इन्होंने क्लिक की, और धन्यवाद भाई हमारा, अब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे, ऐसे होने चाहिए सारे लोग। अब पता है ये जो भाई है ना, ये जिन्होंने फोटो ली थी, ये कुंपली के गंगानगर मेयर से 20 किलोमीटर दूर इनका घर है, और अचानक से ऐसे मिल जाते भाई। ठीक है सर, कोई फ्रूटी वगैरह नहीं दे रहे क्या, फ्रूटी वगैरह? भाई फ्री पॉकेट किया क्यों छोड़े है ना। अभी वहाँ से आए हैं और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ शॉप पे, जूस वाली पे, बनाना शेक पीने मेरे को, और बनाना शेक पी के चलते हैं रूम पे, करेंगे रेस्ट, फिर शाम को जिम, और फिर जैसे कि हमारा दिन जाता है वैसे ही जाएगा। ये इधर हमारा बनाना शेक आ चुका है, आइसक्रीम भी है इसके अंदर। जब मैं ब्लड दे के हॉस्टल के अंदर आया तो मैं आके सो गया था, और अब मैं आया हूँ जिम। वैसे मैं आज कोई हैवी एक्टिविटी या हैवी एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं बहुत लाइट वेट एक्सरसाइज करने आया हूँ, ताकि ये रहे कि रूटीन ना टूटे। वैसे थोड़ा सिर भारी भारी लग रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। बहुत मस्त जगह है, बहुत ज्यादा मस्त जगह, बहुत मजे आ रहे हैं आज हमें भाई। बेस्ट दिन गया आज का, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट यही है आज का।